हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे CCS यूनिवर्सिटी के बैक पेपर फॉर्म की और बैक पेपर रिजल्ट की। CCS यूनिवर्सिटी के बैक पेपर फॉर्म दोबारा से ओपन कर दिए गए हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स फॉर्म भरने से उस टाइम पर रह गया था तो अपना फॉर्म दोबारा से भर सकता है। और इसके अलावा बात करेंगे कि CCS यूनिवर्सिटी के जिन स्टूडेंट्स ने बैक के एग्ज़ाम दे दिए हैं उनका रिजल्ट कब तक आ रहा है, ठीक है। रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट की एक डेट आ चुकी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले ये न्यूज़ देखना है, बैक परीक्षा के वंचित छात्र छात्राओं को फिर से एक मौका। जो स्टूडेंट्स फॉर्म भरने से रह गए थे उनके लिए एक और मौका है, वो अपना फॉर्म भर सकता है। बैक परीक्षा के लिए फॉर्म मुख्य परीक्षा फॉर्म के साथ भर सकेंगे। आप लोग जो मेन एग्ज़ाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं इनके साथ साथ अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं और इनके साथ ही आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। और इसको लेकर एक नोटिस भी जारी हो चुका है, आप लोग इस नोटिस को भी देख सकते हैं। 2 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में बैक के फॉर्म दोबारा से ओपन कर दिए गए हैं और कोई स्टूडेंट्स अगर फॉर्म भरने से रह गया हो तो अपना फॉर्म भर सकता है। एग्ज़ाम आपके मेन एग्ज़ाम के साथ में होंगे। किसी भी स्टूडेंट्स को रीबैक की अनुमति नहीं है, मतलब कि जो स्टूडेंट्स बैक में फ़ेल हो गए उनको दोबारा से बैक फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। अब उनको एक्स स्टूडेंट फॉर्म भरना होगा और इस साल के एग्ज़ाम दोबारा देने होंगे। तो अगर आप फॉर्म भरने से रह गए हो तो अपना फॉर्म भर दें, कोई आपका फ्रेंड रह गया हो तो उसकी वीडियो शेयर कर दें। अब बात करते हैं CCSU के बैक पेपर रिजल्ट की, कि CCSU के बैक के रिजल्ट कब आ रहे हैं। तो देखिए, एक न्यूज़ आई थी कुछ दिनों पहले, बताया गया था कि 22 फरवरी तक CCS यूनिवर्सिटी बैक पेपर के रिजल्ट जारी कर देगी। इनमें आपके एनुअल कोर्स के जो रिज़ल्ट थे बैक वालों के वो भी हैं और सेमेस्टर कोर्सों के रिज़ल्ट भी हैं। ये सभी रिज़ल्ट आपके 22 फरवरी तक आ जाएंगे, ठीक है। इससे पहले किसी भी डेट में आ जाएंगे, ऐसा न्यूज़ में बताया गया था, वो मैंने आपको न्यूज़ भी दिखाई थी। 22 फरवरी तक आप लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे। अगर आप उस टाइम पर फॉर्म भरने से रह गए थे तो अपना फॉर्म भर सकते हैं। 10 फरवरी तक आपके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट का वेट हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर्म भरना हो तो फॉर्म ने भरकर दिखा दिया, आप लोग जाकर भर सकते हैं उसी वेबसाइट से, वहीं से फॉर्म भरे जा रहे हैं। न्यूज़ में ये बताया जा रहा है कि पिछले साल बैक पेपर परीक्षाओं से वंचित छात्राओं को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने फिर परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया है। छात्र मार्च 2024 में प्रस्तावित मुख्य परीक्षा के साथ बैक परीक्षा का फॉर्म भी 10 फरवरी तक भर सकते हैं। छात्रों को रीबैक की अनुमति नहीं है। 12 फरवरी तक कॉलेज छात्रों के फॉर्म सत्यापित करके 13 फरवरी तक विश्वविद्यालय परिसर में जमा कराएंगे। तो जो यूनिवर्सिटी की बैक पेपर परीक्षाएं हुई हैं, अगर आप वो एग्ज़ाम देने से रह गए थे तो अब आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म आप लोग यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर सकते हैं, CCSU वेब पर जाकर। और रिजल्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, रिजल्ट आपका 22 फरवरी तक किसी भी डेट में आ जाएगा। जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी दोस्तों को शेयर कर दें, जो भी रिजल्ट के बारे में जानना चाहता हो उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दें। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।